एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के आप इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट नहीं कर सकते। हमने क्या करा, मैंने आपको कुछ लिंक्स भेजे हुए हैं ग्रुप पर। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने शुरुआत कहां से करी थी, हमने कहा था हम मेक इन इंडिया करेंगे, ठीक। हमने सबसे पहले शुरुआत करी थी, हमने कहा था कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। मैं चलो ऐसे दिखाता हूं, हमने कहा कि हम मेक इन इंडिया करेंगे। और मेक इन इंडिया जब हमने बोला तो हमने उसके साथ में कुछ चीजें लॉन्च करी। क्या लॉन्च करा, सबसे पहले हमने लॉन्च करा ये क्या थी, भारत माला प्रोजेक्ट। और भारत माला में हमने क्या करा, इंप्रूव इन एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स थ्रू डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड एलिमिनेशन ऑफ चोक पॉइंट्स। भारत माला में है क्या, तो को पहले इसका तो एक फोटो दिखाना बनता है। ये देखिए, भारत माला में हम ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, मुंबई से कोलकाता, मुंबई से कन्याकुमारी, अमृतसर से जामनगर, कांधला से सागर, आगरा से मुंबई, पुणे से विजयवाड़ा, रायपुर से धनबाद, लुधियाना से अजमेर, सूरत से नागपुर, हैदराबाद से पणजी, जयपुर इंदौर, सोलापुर नागपुर, सागर बनारस, खरगापुर सिलगुड़ी, रायपुर विशाखापत्तनम, दिल्ली लखनऊ, चेन्नई कुन्नूर, इंदौर नागपुर, चेन्नई मदुरई, बेंगलोर रायचूर, तूतीकोरिन कोचिन, सोलापुर बेल्लारी, ऊटी, हैदराबाद औरंगाबाद, दिल्ली कानपुर, थरड़ से फलोडी, नागौर से मंडी, दबावली, सागर लखनऊ। इस तरह से हम पूरा जो है वो 44 कॉरिडोर हमने बनाए देश के अलग अलग हिस्सों में। हुआ क्या, उससे रोड्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। और ये सिर्फ रोड्स नहीं है, भारत माला में क्या क्या है, जब हम भारत माला बनाते हैं तो क्या क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, पहला वाला पॉइंट पढ़िए, ठीक। और इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ साथ हम क्या बनाते हैं वहां पर, रुको, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के साथ साथ हम क्या करते हैं, वहां पर आसपास में लॉजिस्टिक पार्क्स भी खड़े होते हैं। भाई जैसे मान लीजिए जयपुर से गुड़गांव है, अब जयपुर से गुड़गांव वाले में आपने देखा कि लगातार बढ़िया हाईवे बन रहा है, जितना अच्छा वहां पर हाईवे बनेगा तो क्या होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लॉजिस्टिक्स पार्क वहां बनाएंगी। लॉजिस्टिक्स पार्क का मतलब ये कि बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो अपना वहां पे कंटेनर और अपना पूरा एक्सपोर्ट का सामान और जो भी है वो वहां पर रखने की व्यवस्था करेंगी। और जैसे जैसे कंपनियां वहां पर आएंगी तो वैसे वैसे क्या होगा, वहां पर इंडस्ट्रीज लगना चालू होंगी। और इंडस्ट्रीज लगना चालू होंगी तो क्या होगा, जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसके साथ साथ इनोवेशन भी आएगी, आसपास के लोगों को जॉब मिलेगी। तो भारत माला हमने शुरू की, और भारत माला में हमने क्या करा, क्वालिटी ऑफ रोड्स को इंप्रूव करना, रोड कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना। और भारत माला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पूरे भारत को इंटीग्रेट करने वाली रोड बनाना, ठीक। उसके बाद तो ये सारी आपकी चीजें हैं।